अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यकूब टेक्निकल ट्रिक्स। तो यकूब टेक्निकल ट्रिक्स में खुश आमदीद दोस्तों, आपके लिए आज न्यू वीडियो लेके आया हूँ। आज मेरे पास ये POI पड़ी थी, ये POI है 24 वोल्ट की है। तो आज इसका जो है ना लैन प्रॉब्लम था, लैन नहीं आ रही थी, बाकी ये POI जो है ना ऑन थी। तो आज हमने इसको रिपेयर किया, मैंने कहा चलो दोस्तों को वीडियो शेयर कर देता हूँ। तो आप दोस्त देख सकते हैं कि आपके पास अगर ऐसी POI या कोई भी POI आपके पास हो तो आप ख़ुद से भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो उसका तरीका कार ये है, आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो POI पड़ी हैं, एक ये है एक ये है, और हमने इसे रिपेयर किया है। तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि किस तरह से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं खुद से। तो इसका लैन का प्रॉब्लम था, आप देख सकते हैं, तो लैन नहीं आ रही थी। तो आपको दिखाता हूँ कि ये इसके अंदर IC लगा होता है, ये वाला गीगाबाइट में होता है इसका सिस्टम। तो आपको दूसरे वाला IC दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने चेंज किया है इसका, ये वाला। तो इससे हमारा कोई भी हाल नहीं हुआ इसका, यानी कि ओके नहीं हुई, फिर भी लैन नहीं चल रही थी इसकी। तो फिर मैंने इसका जुगाड़ किया है, तो वो जुगाड़ ये है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप दोस्त देख सकते हैं कि लैन के जो पॉइंट होते हैं ना, ये आप देख सकते हैं, दूसरे पॉइंट से जंपर लिया है और दूसरे पॉइंट पर इधर लगाया है। ये लैन वाली पोर्ट है और ये दूसरी है POE वाली, ये पोर्ट। तो लास्ट वाले से जंपर लिया और इधर लास्ट वाले पे लगा दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये वाला देख सकते हैं आप, सेकंड वाला, यहाँ से लिया एक जंपर और यहाँ पे लगा दिया है। तो लैन में जो होती है ना, तीन तारें होती हैं लैन केबल हो ना आपके पास, तो उसमें भी देख सकते हैं आप लोग, तो उसमें तीन तारें होती हैं। तो ये हमने तीन जंपर लगा दिए हैं, एक जंपर ये है, एक ये है और ये है। तो हमारी लैन नहीं आ रही थी, ये IC चेंज करने के बाद भी नहीं आ रही थी हमारी लैन। तो हमने इसके वो जंपर किया है, अब ये बिल्कुल ओके है और ये गीगाबाइट में ओके हो गई है लैन। मैंने चेक किया है कंप्यूटर में लगा के, तो गीगाबाइट शो कर रही है 1G। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें न्यू वीडियो आने के लिए। खुदा हाफिज़।